नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं भारत 24/7। जैसा कि आप जानते हैं कि गणेश महोत्सव चल रहा है, जिसे पूरे ही देश में धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे प्रथम पूजनीय गणेश जी। तो आप जानते हैं कि गणेश जी का त्यौहार, गणेश जी की पूजा पूरे विश्व में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। 11 से 9 दिन तक उनकी मूर्ति का स्थापना होता है और फिर विसर्जन हो जाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस वक्त हमारी मौजूदगी गुफा पर है, जहाँ गुफा पर का राजा को और इनकी मूर्ति कितनी भव्य और कितनी खूबसूरत इनकी मूर्ति लग रही है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्थापना की गई है। आइए, यहाँ के अध्यक्ष हैं जो बहुत सालों से मूर्ति स्थापना किया जा रहा है, आइए हम उनसे बात करते हैं और कुछ बातें जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अर्जुन कुमार है। अच्छा, ये जो गुफा पर का राजा है, वैसे पहले ये बताइएगा, आप ये गणेश जी का नाम है? नहीं, गणेश जी का नाम है, नवयुवक दल है, गुफा पर के नाम से नेहरू नवयुवक दल है। इसकी यही नाम से शुरू से चल रहा है, जब से चल रहा है। अच्छा, नाम का परिवर्तन कभी नहीं हुआ। अच्छा, स्टार्टिंग से ये गुफा पर का राजा ही नाम हुआ? नहीं, आज पहले गुफा पर का राजा इसका नाम नहीं था, सही गणेश जी के नाम से बैठते थे। यहाँ पर करीब करीब हम यहाँ पर 73 में आए, जब से इसको देख रहे हैं, लेकिन लगभग इसका 60-65 साल हो गया बैठते हुए। पहले छोटा रूप में बैठते थे, अभी भव्य बैठते हैं बड़े। यहाँ के युवा लोग ले लिए हैं, जब से 10 साल से भव्य रूप में आ रहे हैं। अच्छा, तब इसका नाम रखा गया गुफा का राजा, क्या है, गुफा पर का राजा रखा गया 65 साल पहले से। अच्छा, तो ये बताइएगा कि कब से मूर्ति स्थापित हो रही है यहाँ पे? यहाँ पर मूर्ति स्थापित लगभग 1950 से हो रही है। 1950 से ही हो रही है? हाँ, यहाँ पर छोटे छोटे लोग पहले मिल के बैठाते थे। अच्छा, खुदरा दुकानदार लोग, जिसमें चाय बेचने वाले थे, नाश्ता बेचने वाले थे, रिक्शा था, ये लोग बैठाते थे। अच्छा, लेकिन 10 साल से अब युवा वर्ग यहाँ पर के ले लिए हैं, जो अब इसका गुफा पर के राजा के नाम से इसका बृहत रूप किया गया। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए कि मूर्ति आप लोग कहाँ से बनवाते हैं हर बार? ये मूर्ति बिहार शरीफ में बनती है, लेकिन बाहर से कारीगर आके बनाते हैं। अच्छा, ये अभी जो बना हुआ है, ये पटना के कारीगर आके बनाया है। ये पटना के कारीगर द्वारा बनाया गया है? हाँ। अच्छा, तो ये पूजा आप लोग सुबह शाम करते हैं गणेश जी? हाँ, दोनों सुबह शाम पंडित जी आते हैं, और यहाँ का जो पुजेरी है, दोनों मिल के पूजा दोनों शाम होता है। विसर्जन कब होगा? ये विसर्जन माघ पूर्णिमा, भादो पूर्णिमा को होती है। अच्छा, भादो चौथ में बैठती है, ये 11 दिन लगभग बैठते हैं। क्या नाम हुआ आपका? अमर कुमार सिंह। क्या है आप यहाँ के अध्यक्ष? आप अध्यक्ष हैं यहाँ के? हर साल गणेश जी का मूर्ति बैठते हैं और बहुत ही भव्य मूर्ति बैठते हैं। बस हम लोग मोहल्ले का लोग, जैसे सारे लोग कहते हैं कि भाई यहाँ पर का सबसे सुंदर मूर्ति शुरू से बैठ जाया है, और वही हम लोग कोशिश करते हैं कि जितना सुंदर है सुंदर हो सके। जी, बहुत सुंदर मूर्ति हम देख सकते हैं। अच्छा, हर बार मूर्तिकार आप लोग नए नए जगह से लाते हैं कि हमेशा एक ही जगह से बनवाते हैं? नहीं, लगभग 10 वर्षों से जब से हम अध्यक्ष पद पर आए हैं, तब से एक ही जगह से है। एक ही जगह से पंडाल हम लोग का होता है, और एक ही मूर्तिकार भी है। अच्छा, मूर्तिकार एक ही होते हैं, हर बार एक ही बनाते हैं। अच्छा, आप लोग का यूनियन या संघ चलता होगा? जी। तो कितने लोग हैं आप लोग यूनियन से? लगभग 50 लोग। 50 लोग हैं आप लोग? और सारा, अच्छा, आप लोग चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर ये बनवाते हैं मूर्ति? जी जी जी। अच्छा, ये बताइएगा कि विसर्जन कब कीजिएगा, फिर कब होता है? 10 तारीख को। 10 तारीख को विसर्जन कर देते हैं? कहाँ करते हैं विसर्जन? ये मोड़ा तालाब, एक यहाँ से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर एक तालाब है, उसी में मोड़ा तालाब में आप लोग विसर्जन कर देते हैं। और पूजा, अच्छा, यहाँ तो काफ़ी भीड़ जमता होगा? जी, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे कोविड, 2-3 साल से कोविड चल रहा था, तो अभी कोविड के बाद से कैसा चल रहा है? कोविड के बाद ही तो मैडम इस बार बैठा, उसके बाद उसके, अच्छा, 2-3 साल से नहीं बैठ रहा था? बैठ रहा था, तो बहुत छोटा रूप हो गया। जी जी जी। अच्छा, और कोविड के बाद से भव्य तरीके से बैठने लगा है। अच्छा, तो श्रद्धालुओं की संख्या अब इस बार ज़्यादा होगी? जी बिल्कुल, पिछले बार से तो कम ही रहा होगा। नहीं, पिछले बार से इस बार ज़्यादा है, इस बार ज़्यादा होगा। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा, हमने यहाँ पे बात की, अध्यक्ष से बात की, और आप देख सकते हैं मूर्ति कितना ज़्यादा भव्य है और कितना ज़्यादा खूबसूरत है गणेश जी का मूर्ति। और यहाँ पे हमारी मौजूदगी थी गुफा पर, जैसा आप देख सकते हैं, श्री नेहरू नवयुग संघ, धनेश्वर घाट, बिहार श्री। तो जैसा कि आप देख सकते थे, हमने यहाँ पे अध्यक्ष से बात की, यहाँ पे सबसे बात की, और उन्होंने बताया गणेश जी की मूर्ति छोटी बैठती थी, मगर अब ये भव्य तरीके से और भी सुंदर तरीके से बैठने लगी है। और यहाँ पे प्रशासन का भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, जैसा कि उन्होंने हमें बताया कि प्रशासन उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, सुरक्षा देती है इस चीज़ को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा मूर्ति और सबसे भव्य तरीके से यहाँ मूर्ति बैठाई जाती है। हर साल ये बैठाई जाती है, बहुत सालों से ये मूर्ति बैठाई जा रही है, और इसका विसर्जन ये कुछ दिनों में कर देंगे। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन साक्षी के साथ मैं निशा, भारत 24/7।